हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अनुवृत्ति ज्योतिष केंद्र हस्तरेखा पार्ट 20, मंगल पर्वत। मंगल पर्वत को देखने के लिए बेसिकली मंगल क्या है पहले वो समझे। मंगल हमारी ऊर्जा है। मंगल बेसिकली भाई का कारक है। मंगल दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मंगल। ठीक है, मंगल बेसिकली जो पॉजिटिव है वो आपकी बौद्धिक क्षमता को बताएगा कि आप अगर कोई परेशानी आ रही, कोई दिक्कतें आ रही, तो आप उससे कितना लड़ पाए वो आपको बताएगा आपका पॉजिटिव मंगल। अगर निम्न मंगल की बात करूं तो आप किसी भी चीज़ में कितना स्टार्ट दे पाएंगे, कितना आप किसी चीज़ के लिए रेडी हैं, वो चीज़ आपको बताएगा निम्न मंगल। मतलब आप किसी काम को कितने उत्साह लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, कितना आप उसमें उसको आप कैसे स्टार्ट करोगे वो आपका ये बताएगा। अब आपने किसी को ललकार दिया, ललकारने की ताकत आपको निम्न मंगल दे रहा है, उसको संभाल पाने की ताकत आपको उच्च मंगल देगा। तो दोनों पर्वत अगर अत्यधिक फूले हुए हैं, अत्यधिक उभरे हुए हैं, तो ये अच्छा मंगल नहीं होगा। नॉर्मल उभार अच्छा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उभरा होना ठीक नहीं है। निम्न मंगल जो है, उच्च मंगल जो होगा, अगर वो अच्छा उभरा हुआ है और कुछ थोड़ा सा हथेली में बाहर की ओर भी निकल जाए, तो ये अच्छा माना जाता है। अच्छी बौद्धिक क्षमता होती है, परेशानियों को बहुत अच्छा हैंडल करना जानते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा ये मंगल क्षेत्र बिल्कुल उभरे हुए नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है दोनों, तो मतलब इनमें इस तरह की कमियाँ आएंगी कि किसी काम को स्टार्ट करना, फिर उसमें किस तरह की दिक्कतें आना, इस तरह की दिक्कत आती आती है। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जितनी भी चीज़ें आपको देखनी है, जितने भी साइन देखने हैं, आप उच्च मंगल से ही देखें। ठीक, निम्न मंगल जितना फूला होगा, पहल करने की क्वालिटी अधिक, चपटा हुआ तो पहल नहीं कर पाएंगे। उच्च मंगल जितना फूला होगा और बाहर की ओर निकला होगा, उतना अच्छी कैटेगरी में वो आ जाएगा। तो ये दो तरह से आपको मंगल को देखना है। मंगल का क्षेत्र कहाँ से, ये देखिए, यहाँ से ये क्षेत्र होगा पूरा, ये जो बीचों बीच हथेली का क्षेत्र है मंगल, तो उच्च मंगल और ये निम्न मंगल, दो तरह से मंगल डिफाइन होते हैं। मंगल की अगर बात करूँ तो मंगल प्रधान लोग जितने भी होंगे साहसी होंगे, कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अलावा ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहते। इसके अलावा देश समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है। अत्यधिक उभार, बहुत ज़्यादा उभार ठीक नहीं होता। समाज में विरोध विरोधी समाज विरोधी कार्य करते हैं, अपनी बात मनवा के मानते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, छोटी छोटी बातों में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एक से अधिक विवाह, इस तरह की भी दिक्कतें ये अगर मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है तो। जितने भी आप लक्षण देखेंगे, वो साइन देखें, वो आप उच्च मंगल से ही देखें। अब ये जो मंगल का क्षेत्र है, अगर पीलापन लिया हुआ है तो ये अपराधी क्षेत्र, अपराधी किस्म के होते हैं। अगर नीलापन है तो कुछ बीमारी, और काला है तो कुछ मुकदमेबाजी के लिए, ये मुकदमेबाजी का इंडिकेशन करता है। इसके अलावा बात करूं कि अगर मंगल पे कोई क्रॉस का निशान आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये निशान हमेशा ध्यान रखिए आप, कि अगर क्रॉस का निशान है तो क्रॉस का निशान मतलब किसी पर घातक हमला कर सकता है, जिसके भी निशान में, किस जिसके हाथ में ये निशान है। अगर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार से मतलब, अगर स्टार यहाँ बन रहा है या क्रॉस बन रहा है, तो स्टार मतलब इन पर आत्मघाती हमला हो सकता है। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें निम्न और उच्च मंगल से, मंगल क्षेत्र में अगर कोई निशान इस तरह का आ रहा है तो ये बनता है। ठीक, तो मंगल मतलब आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी इस तरह की चीज़ों को दिखाने वाला होता है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। ये बेसिकली क्या करते हैं कि आप कितना किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर पा रहे हैं और ये उस चीज़ को कितना आप संभाल पा रहे हैं वो बताने का प्रयत्न करता है। तो ये उच्च और निम्न मंगल से ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये स्टार्ट है और उसको कैसे संभालना है ये आपका उच्च मंगल बताएगा। अब मंगल के बारे में बता दूं कि मंगल की असली जितनी भी चीज़ें देखनी है आपको बाहरी मंगल से ही देखनी है। ये इनर मंगल है और ये आउटर मंगल है। ठीक, तो जितना भी देखना आपको बाहरी से देखना, अपने आप को कैसे किसी के सामने समझाना है, हैंडल करना है चीज़ों को, कैसे अगर कोई मुसीबत आ गई तो उसको कैसे झेलना है, वो सब बताएगा ये बाहरी मंगल का क्षेत्र। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि अगर इस पे स्टार या कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा मंगल पे आप मत मानिएगा। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं, साहसी बनाते हैं, ये प्रोटेक्शन का भी साइन है, लेकिन थोड़ा सा बीमारी की ओर भी सूचना करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा लड़ने के लिए भी क्या हो जाते हैं, तैयार होते हैं और उस क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं जहां से क्या होता है फिर थोड़ा सा जीवन के लिए संकट होता है। तो अच्छे हैं दोनों साइन, लेकिन थोड़ी सी बीमारियों से भी इंडिकेशन इससे आता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर यहाँ पर कोई क्रॉस का साइन आ जाए, इस तरह से क्रॉस बोल रहा हूँ, अगर कुछ ऐसी जाले आ जाए, तो जाल का साइन बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी,
बार बार मन में गंदे ख्याल आना, अपने जीवन को खत्म करने के ख्याल आना, और इस तरह की चीज़ें ये बहुत बुरा प्रभाव देती हैं ये चीज़ें। ठीक, इसके अलावा अगर यहाँ पर इस तरह का कोई गोल निशान आ रहा है, इस तरह का कोई गोला बन रहा है, तो गोला भी अच्छा नहीं है। ये कुछ बीमारी की ओर सूचना करता है, कुछ इनलॉफुल एक्टिविटीज़ की ओर, मतलब कुछ अनैतिक कार्यों की ओर भी इशारा करता है। इसके अलावा अगर बात करूँ त्रिशूल, तो त्रिशूल तो हर जगह अच्छा ही होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर यब, तो यब तो हर जगह ऊर्जा की हानि, ऊर्जा का नुकसान, मतलब इस तरह के लोग जो होते हैं निर्णय नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाने वाले लोग होते हैं। तो उच्च और निम्न मंगल, इस तरह की चीज़ें आपको देखना है। इसके अलावा इसमें अगर मैं स्टार, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार यहाँ पर बहुत अच्छा सूचना, मतलब बहुत अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन स्टार से एक और चीज़ होती है कि मिलिट्री और आर्मी तक भी इस तरह के लोग जा पाते हैं। ठीक है, तो स्टार में घातक प्रहार तो हो सकता है। तो ये दो चीज़ें इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, कुछ बुक्स और कुछ अध्ययन कहते हैं कि स्टार आपको मिलिट्री और इस तरह की चीज़ों पर ले जा सकता है, और कुछ कहते हैं कि स्टार से आप किसी पर हमला या क्रॉस से आप पर हमला, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो स्टार पे एक कॉन्ट्रोवर्सी है, उस पे शोध का विषय, उस पर काम चल रहा है। हाँ, क्रॉस जरूर एक्सट्रीम नेगेटिव में आता है, बहुत खराब होता है। एक क्रॉस को तो घातक प्रहर प्रहर कर सकते हैं, या घातक आप घातक घातक आप किसी पर प्रहर कर सकते हैं, प्रहर कर सकते हैं, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा क्रॉस से जेल जाने की संभावना, गाड़ी से टकराना, इस तरह की भी संभावना क्रॉस से हो सकती है। लेकिन स्टार पर कंट्रोवर्सी है, स्टार पर थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें, कई शोध में अलग अलग इसके रिजल्ट आए हैं। कई शोध कहते हैं कि बहुत अच्छा है, मिलिट्री आर्मी में जा सकता है, और कई शोध कहते हैं कि आप किसी पर घातक हमला कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसा ही मान सकते हैं कि मिलिट्री और नेवी में जाकर आप अगर दुश्मन से लड़ रहे हैं तो उस पर हमला आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती कि एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो ये था बेसिकली हस्तरेखा पार्ट 20, मंगल पर्वत से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उच्च और निम्न मंगल पे आप हमेशा डिफरेंस समझ के चलें, और जो भी आपको देखना है वो ज़्यादातर आपको उच्च मंगल, पॉजिटिव मंगल पे ही देखना है, जो निशान है सारी चीज़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार। क्यों हिला